तो फिर गाइज अभी मेरा एचपी है 400 और सामने वाला एनिमी का एचपी है ओनली फॉर 200। तो गाइज आज का ये वाला वीडियो आप बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि यहाँ पे तीन टाइप की मैं ट्रिक्स बताने वाला हूँ, उससे आपका ओपी होने वाला है। तो वीडियो का करते हैं जल्दी से स्टार्ट। तो फिर गाइज आज मैं आपको ओपी ओपी सी तीन ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जो गाइज ग्रैंड मास्टर मतलब कि सबसे टॉप पे रहते हैं ना रीजन के अंदर, वो लोग भी ये चीज को मतलब फॉलो करते हैं, ठीक है ना गाइज। तो फिर यहाँ पे हमारी सबसे पहली ट्रिक आती है, तो सबसे पहला कैरेक्टर है गाइज जेन कैरेक्टर। ये क्या करता है, जैसे ही आप मतलब कि इसका गाइज एक होता है गाइज, वो क्या करता है 120 एचपी दे देता है। इसका एक मतलब ये एक्टिव कैरेक्टर रहेगा आपके अंदर, ठीक है ना गाइज। जैसे कि आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर गाइज, मैंने जैसे ही कैरेक्टर की एबिलिटी ऑन की थी, वैसे ही गाइज इसके अंदर 320 एचपी हो गई, ठीक है ना गाइज, 200 एचपी में से। और गाइज OB38 अपडेट था ना 22 मार्च के बाद, गाइज OB39 आया गाइज। इसके अंदर थोड़ी बहुत इसके अंदर कमी आई है, मतलब कि थोड़ा बहुत इसके अंदर कम हुआ है, बाकी गाइज हमारे पास गाइज बहुत ही ओपी वाला 120 एचपी थे। उसके बाद सेकंड कैरेक्टर आता है हमारा एंटोनियो कैरेक्टर। गाइज ये क्या करता है, लैंड होते ही हमें 40 की एचपी दे देता है। जैसे कि गाइज आपको दिख रहा है 200 एचपी थी और 240 हो गई, क्यों गाइज, क्योंकि हमारे पास था एंटोनियो। फिर गाइज थर्ड नंबर पे आता है लोकेटा कैरेक्टर। गाइज लोकेटा क्या करता है, गाइज एनिमी को किल करोगे ना गाइज, एक एनिमी को किल करने पे 25 एचपी मिलेगी, दूसरे को किल करने पे और 25 मिलेगी। तो गाइज 25+25=50। इसके लिए गाइज बचपन में कहता है मैक्स पढ़ लो। तो गाइज बिना टाइम वेस्ट कर मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर आपको टोटल कितनी एचपी मिलेगी गाइज, 120, 40, 50। तो गाइज टोटल हो रही है 410 एचपी। गाइज कम है क्या, सामने वाले के पास 200 और आपके पास। उसके पास गई थर्ड नंबर पे कैरेक्टर आता है हमारे पास हयातो कैरेक्टर। गाइस हयातो कैरेक्टर की एबिलिटी तो मैंने आपको हमारे बहुत पुराने वीडियो के अंदर ही बता दी थी, ये आर्मर बूस्टर और ऐसा कैरेक्टर है। तो गाइस इसकी यही एबिलिटी आपको पता है गाइस, इसकी एबिलिटी, इसके लिए मैं फालतू टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। गाइस इसकी एबिलिटी के कारण हमारे को और भी ज्यादा बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है। और गाइस इसके अंदर एक्टिव कैरेक्टर आपको जैन कैरेक्टर देखना है। तो गाइस ये तो थी हमारी, और गाइस इसी के साथ अगर हम वेस्ट एचपी बूस्टर रखेंगे ना तो हमें 30 एचपी और मिलेगी। तो गाइस टोटल 440 एचपी हो रहा है गाइस, ये एकदम ही फाड़ू एचपी है। तो गाइस बढ़ते हमारे सेकंड नंबर ट्रिक जो है मतलब कि जोन सर्वाइविंग कॉम्बो। तो फिर गाइस इसके अंदर फर्स्ट एक्टिव कैरेक्टर मतलब प्राइमरी कैरेक्टर जो हमारे पास आ जाता है गाइस के कैरेक्टर। गाइस के कैरेक्टर की एबिलिटी तो आपको पता ही है क्या है, मतलब ये स्क्रीन पे दिख रहा है ये क्या कैरेक्टर गाइस जिनको नहीं पता। तो गाइस फर्स्ट का था के कैरेक्टर, ये हमारी जो एचपी होती है ना मतलब एचपी के साथ साथ ईपी भी बढ़ाते हैं, मतलब कि गाइस ईपी हम जैसे बढ़ाते हैं ना वैसे एचपी को भी ये बढ़ाते हैं अगर अपन जोन के बाहर होंगे तो गाइस। उसके बाद दूसरा था गाइस कैपिला कैरेक्टर। कैपिला कैरेक्टर क्या करता है गाइस, मेडिकेट को फास्ट मतलब कि जहां पे गाइस आपको 75, जैसे कि गाइस आप ये स्क्रीन पे एक मेडिकेट के साथ गाइस अगर आप नॉर्मली करोगे तो 70, कैपिला प्लस मेडिकेट करोगे तो गाइस आपको 95 एचपी मिलेगी गाइस। ये मतलब कि गाइस बहुत ही मैंने गाइस अंदाजा लगाया है, मतलब अप्रोक्स ऐसा ही होता है। और गाइस अगर हम इनहेलर लेना तो गाइस इनहेलर के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है। और गाइस अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो प्लीज गाइस कर दो गाइस, आपके भाई की चैनल है, ठीक है ना गाइस। फिर हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड नंबर कैरेक्टर के ऊपर, जो गाइस मतलब कि बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है और हम इसको कहीं पे भी यूज करते हैं, मतलब कि हर सीएस में, बीआर में, लॉन वुल्फ में, हर जगह पे। वो गाइस आपको पता ही है मैक्सिम कैरेक्टर। मैक्सिम कैरेक्टर की भी एबिलिटी आपको पता है गाइस, ये क्या कर रहे हैं मेडिकेट को हो सके उतना फास्ट करते हैं, जो गाइस 6 सेकंड में होता होगा ये 3 सेकंड में कर देगा, ऐसा ओपी कैरेक्टर। और गाइस आखिरी कैरेक्टर मेरे हिसाब से मतलब कि ये आपके हिसाब से रखो गाइस, बाकी मेरे हिसाब से मैं तो अगर गाइस जोन सर्वाइवर हूं ना तो गाइस मैं मीशा कैरेक्टर रखूंगा। गाइस ये क्या करता है, मैं ड्राइविंग स्किल को और भी ज्यादा एनहेंस कर देता है और गाइस ये ड्राइविंग फास्ट कर देता है। यही नहीं गाइस ये क्या करता है, जो सामने वाला बंदा होता है ना उसका एम हमारे ऊपर से हटा देता है, मतलब कि गाइस मिसगाइड कर देता है उसको, मतलब कि अगर वो हमारे ऊपर एम करेगा ना तो उसकी एक भी बुलेट हमें नहीं लगेगी, 10 में से 2 लगेगी, 8 नहीं लगेगी गाइस, ठीक है ना। जैसे कि अभी दिख रहा है गाइस बंदा मेरे को फायर करने की कोशिश कर रहा है मगर वो कर ही नहीं पाता, उल्टा मैं ही उसको मार देता हूँ। गाइस मैं जोन से बाहर निकल रहा हूँ तो भी गाइस मैं ही एक किल लेके निकला, उसने मेरे को नहीं मारा, ठीक है ना गाइस। तो ये तो थी हमारी सेकंड नंबर ट्रिक, बढ़ते हमारी थर्ड नंबर ट्रिक के ऊपर जो है गाइस साइलेंट किलर कॉम्बो, ठीक है ना गाइस।
तो फिर गाइस इसी के अंदर हमारा फर्स्ट कैरेक्टर आता है गाइस रफाल कैरेक्टर। गाइस रफाल कैरेक्टर का मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी जिक्र किया था। गाइस ये क्या करता है, साइलेंट कर देता है, मतलब कि ये तीन SVDS SKS वुड पिकर, और गाइस कोई भी मतलब कि असोल्ट राइफल हो या फिर गाइस कोई भी ऐसी गन हो, ठीक है ना, मतलब कि लॉन्ग रेंज की, उसके अंदर क्या करता है गाइस ये ऑटोमेटिक ही साइलेंसर लगा देता है, जो क्या करता है गाइस आपके मतलब कि बंदे को मारते हो ना गाइस उसके अंदर किसी को भी पता नहीं चलेगा आपने कहाँ से मारा, तो गाइस मतलब कि सरप्राइज हो जाएगा और वो नॉक हो जाएगा। गाइस इसी के साथ साथ एक और एबिलिटी है इसकी, जो गाइस ये क्या करता है 2 सेकंड के अंदर ही बंदे को खत्म कर देता है। और गाइस इसके लिए आपको इस कॉम्बो के अंदर आपको मिनी लॉन्चर भी रखना पड़ेगा। गाइस इससे क्या होगा, आप लॉन्ग रेंज में खेलोगे गाइस साइलेंटली, तो गाइस आप जैसे कि अभी दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर ये कहाँ से मिलेगा, तो गाइस आपको लोड आउट के ऊपर, ये लोड आउट के ऊपर गाइस ये आपको मिल जाएगा। गाइस इससे क्या होगा, आप ऊपर चढ़ोगे ना गाइस तो आपको पता चलेगा कि कहाँ से बंदे ने मारा है। अब गाइस आप ऊपर तो चढ़ गए, उसके बाद आपको अच्छा एम भी चाहिए, इसके लिए गाइस आपको मारो कैरेक्टर लेना, जो गाइस ऊपर चढ़ के ओपी स्किल बताता है खुद की। गाइस ये भी मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था, नहीं देखा हो तो फटाफट से जा रहा है देखो। गाइस जैसे कि आपको दिख रहा है ऊपर से मैं मारो गाइस बंदा ओपी तरीके से, मतलब नॉकडाउन हो रहा है, ऊपर से बंदे लैंड हो रहे वो भी जा रहे हैं, क्योंकि गाइस ये लॉन्ग रेंज का मतलब कि लॉन्ग रेंज के अंदर ये और भी ज़्यादा गन को एनहेंस कर देता है। साइलेंसर लगा हुआ है, मेरे पास मिनी लॉन्चर है, और गाइस इसी के साथ साथ हमें एक रखना है मारो कैरेक्टर, सॉरी गाइस मारो नहीं मूको कैरेक्टर, मारो तो रखना ही है। मूको से क्या होता है गाइस, बंदे को मारा वो ग्लू के पीछे छुप गया, वो कहीं टावर के पीछे छुप गया, वो कहीं दौड़ के जा रहा है, तो गाइस आपके मैप के अंदर और आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको वो बंदा आसानी से दिख जाएगा कि वो कहाँ पे दौड़ के जा रहा है, ठीक है ना गाइस। तो इसी के लिए हमारा है फर्स्ट मतलब कि फर्स्ट कैरेक्टर और एक्टिव स्किल के अंदर, जिसका नाम है इरिस कैरेक्टर। गाइस ये क्या करते हैं, ग्लू के आर पार मारते हैं। गाइस आप मारो से उसको आइडेंटिफाई तो कर दोगे गाइस, मगर उसको मारोगे कैसे, इसी के लिए गाइस आपके लिए एक स्पेशल कैरेक्टर है इरिस कैरेक्टर, ठीक है ना गाइस। कोई दिक्कत की बात नहीं गाइस, इरिस कैरेक्टर नहीं, हमारे 22 मार्च के पास हमारे पास सारे कैरेक्टर हमारे पास गाइस डायमंड के अंदर आ गए। देखो मेरे पास बैनर भी मैंने बता दिया गाइस, मतलब 22 मार्च के सारे गोल्ड के अंदर मिल रहे हैं कैरेक्टर। तो फिर गाइस ये सारी स्किल जो स्क्रीन के ऊपर दिख रही है ना गाइस, इन सब का अनलिमिटेड जोन सर्वाइविंग साइलेंट किलर HP वो कॉम्बो, ये सारे अगर आप यूज करोगे ना तो गाइस ओपी इन द सेंस गाइस, इसके ऊपर आपको कोई भी कैरेक्टर कॉम्बिनेशन का वीडियो नहीं देखना है सिवाय इस वीडियो के। गाइस ये वीडियो देख लिया ब्रह्मास्त्र गाइस, आपका हर एक मैच ओपी मतलब कि नेक्स्ट लेवल ही जाएगा। और गाइस यही ट्रिक बड़े बड़े ग्रैंड मास्टर के प्लेयर्स भी करते हैं, वो 440 HP रखते हैं अपने अंदर और गाइस वो लड़ते हैं, ताकि गाइस बंदा उसको तो मार ही नहीं पाएगा, तो गाइस फिर हारने का तो सवाल ही नहीं होता। और गाइस बाकी सारे साइलेंट किलर, अगर आप जोन सर्वाइवर हो, आप अगर सोलो में खेलते हो तो गाइस आप जोन सर्वाइवर भी कर सकते हो, ठीक है ना गाइस। और अगर आप 1v4 करते हो ना गाइस, उसके ऊपर भी मैं एक नया वीडियो डालने वाला हूं, हाउ टू डू 1v4 क्लच, ठीक है ना गाइस। BR के अंदर CS के अंदर ना गाइस, BR के अंदर 1v4 क्लच कैसे करें, क्योंकि गाइस BR के अंदर गाइस क्या होता है, जगह बड़ी होती है और बंदे कम होते हैं, तो क्या होता है गाइस बंदों को आसानी से छुपने की जगह मिल जाती है। इसके लिए गाइस आज के इस वाले वीडियो के अंदर तो इतना ही था, कमेंट मिलो कि गाइस आपको अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, और गाइस इंस्टा पर फॉलो नहीं किया तो फटाफट से कर दो, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर दो गाइस चैनल को, और गाइस यूट्यूब पर भी मेरे को पता है आप बहुत ही गंदा वाला सपोर्ट बता रहे हो यार, गाइस फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब करो भाई यार, क्या कर रहे हो आप, ठीक है ना गाइस। तो आज के इस वाले वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना गाइस, ओके बाय गाइस।